नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप जानते हैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है अपने राशि के अनुसार। घर से निकलने से पहले हम ऐसा क्या कुछ करें जिससे हमारा दिन बन जाए बेहतर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य प्रदीप राज। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और साप्ताहिक राशिफल के साथ इस बार जिस ग्रह पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वो है शुक्र। शुक्र का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? धन धान्य समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए शुक्र हमें कैसे प्रभावित करते हैं? शुक्र यदि कमजोर रहते हैं तो हमारे जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, और यदि शुक्र कमजोर है तो हम उन्हें मजबूत कैसे कर सकते हैं, इस विषय में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल, जिसकी शुरुआत करते हैं और पहले तीन राशियों के बारे में जानते हैं। और तीन राशियां हैं मेष, वृष और मिथुन। प्रदीप जी, तो आइए बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको दो पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले, जब भी आप ट्रैवलिंग करेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी है। वहाँ पर छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, या अगर हो सके तो उसको अवॉइड कीजिए कि आपको ट्रैवलिंग ना ही करना पड़े इस सप्ताह। इसके साथ साथ फैमिली के किसी व्यक्ति के कारण, विशेषकर आपके पिताजी को कोई ना कोई हेल्थ इशूज हो सकते हैं, तो उनका आप ध्यान रखिए, प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट कराइए, डायग्नोस कराइए, ताकि आगे चल के किसी बड़ी समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह खुद की हेल्थ यानी कि छोटे मोटे एक्सीडेंट, पिताजी से संबंधित समस्या जुड़ी रह सकती है, तो आपको पूरा फोकस अपना वहीं पर करना है। जहाँ तक बात है आपके प्रोफेशन की, तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी ठीक ठाक चलने वाली है, फाइनेंस आता भी रहेगा। अगर आप हेल्थ से संबंधित समस्याओं पर आप ध्यान रखते हैं तो ये सप्ताह ठीक ठाक आपका निकल जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको विशेष रूप से माँ काली की वंदना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से वो आपको प्रोटेक्ट कर पाए। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले तो आपको फाइनेंस की प्राप्ति होने वाली है, आपकी जो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ है वो बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ कुछ नई इनकम के सोर्स भी आपको मिलने वाले हैं, तथा प्रोफेशनल लाइफ में आपको पदोन्नति भी मिलने वाली है। यानी कि चाहे आप वेल्थ की बात करें, चाहे आप हेल्थ की बात करें, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, हर तरीके से आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं, जो आपके मित्रगण हैं, उनसे भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलने वाला है, या उनके साथ आपके घूमने की प्लानिंग सक्सेसफुल होने वाली है। यानी कि कुल मिला के इस सप्ताह को आप हर प्रकार से इंजॉय करने वाले हैं। अगर आप कोई वाहन लेने का सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी वाहन लेने की जो मनोकामना थी, जो आपकी इच्छा थी, वो भी इस सप्ताह पूर्ण होती हुई प्रतीत होती है। यानी कि वृष राशि के जातक इस सप्ताह को पूर्ण रूप से इंजॉय करने वाले हैं हर प्रकार से। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे पहली बात ये होगी कि जो आपने हार्डवर्क पिछले सप्ताह किया है उसका रिवॉर्ड आपको इस सप्ताह मिलने वाला है। यानी कि आपके नेम एंड फेम में वृद्धि होने वाली है, लोग आपके कार्य की सराहना करने वाले हैं। स्पेसिफिकली जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनसे आपको सहयोग मिलने वाला है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। इसके साथ साथ इस पूरे सप्ताह आपका फाइनेंस भी अच्छा रहने वाला है, तथा आपका जो परिवार है वो आपको हर प्रकार से सपोर्ट करने वाला है। यानी कि जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो बहुत ही आनंददायक रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपके पिताजी हैं उनसे भी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है, और आपको सलाह भी ये दी जाती है कि जो आने वाले समय के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, या कुछ अगर खरीदने का आप सोच रहे हैं, खासकर भूमि खरीदने का सोच रहे हैं, तो अपने पिताजी की सलाह उसमें अवश्य लें। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसका आपको इस सप्ताह वो आपके नाम से हो जाए, या जो अगर कुछ अटका हुआ मामला था वो आपके फेवर में आ जाए। यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए नेम एंड फेम से लेकर पैसे से लेकर आपको हर प्रकार से सुख सुविधाएं इस सप्ताह मिलने वाली है।
सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ऑल्दो कि आपको अपने घर से पूर्ण रूप से सहयोग मिलने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप थोड़ा डिटैचमेंट फील कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। तो बस उन चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करने की आपको आवश्यकता होगी, अदरवाइज इस सप्ताह किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं होने वाली है, तो आप इस सप्ताह को एंजॉय करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों की हम बात करते हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले तो कुछ छोटी मोटी बीमारियां आप खुद को आपको हो सकती हैं, विशेषकर आपके लोअर पार्ट में, यानी कि नाभि से नीचे का जो आपका हिस्सा है, वहाँ पर आपको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी डाइट पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई तला भुना या कोई स्पाइसी चीज़ों का आपको सेवन इस सप्ताह नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो आपके हेल्थ इशूज और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अनावश्यक चीज़ों पर आपका धन व्यय हो सकता है। पहले तो सबसे पहले हेल्थ को लेके हो सकता है, उसके अलावा कुछ फालतू की ट्रैवलिंग्स, अननेसेसरली की ट्रैवलिंग्स, बिना मतलब की भागदौड़ आपके जीवन में इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल ड्रेन होने वाला। और इन सभी के चलते जो आपका हेल्थ है या जो आपकी वेल्थ है या उसके साथ साथ जो मानसिक तनाव है, वो इन्हीं कारणों के चलते आपका बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात है, तो वो मेंटेन होती रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे बहुत विशेष आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, लेकिन वो एक साधारण सी चलती रहेगी। कुछ नकारात्मक भी रिजल्ट आपको देखने को वहाँ सर नहीं मिलेगा। जहाँ तक संतान पक्ष की बात है, तो वहाँ पर भी छोटी मोटी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कर्क राशि वालों को प्रैक्टिकल होकर धैर्यपूर्वक अपने इस सप्ताह को निकालना है, ताकि आगे चलकर बहुत ज़्यादा उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इन सबसे बचने के लिए आपको सलाह ये दी जाती है कि आपको डेली मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको काले तिल और चावल का अर्पण करने हैं और जल चढ़ाना है, ताकि जो ये रुकावटें हैं, जो अचानक से हेल्थ को लेकर कुछ समस्याएं आने वाली हैं, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, तो सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है, विशेषकर अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है या अगर आपको ससुराल पक्ष से कुछ मिलना था, तो वो आपके फेवर में आने वाला है, यानी कि वहाँ से आपको धन लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पार्टनर के साथ जो पिछले कुछ समय से तालमेल में कमी चल रही थी या कुछ उतार चढ़ाव आपके वैवाहिक जीवन में चल रहे थे, तो इस सप्ताह वो खत्म हो जाएंगे और वो आपका प्रेमपूर्वक जीवन आगे बढ़ेगा। यानी कि वैवाहिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पैतृक संपत्ति या अचानक से धन लाभ के लिए सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें भी आपका विशेष योगदान होने वाला है, और वहाँ पर उन अच्छे कार्य की वजह से या समय से पहले जो आपकी कार्य को करने की एक आदत है, उसके कारण से आपको आपके नाम में बढ़ोतरी होती हुई प्रतीत होगी। जिनका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है सिंह राशि वालों का, तो इस सप्ताह उनको अपने प्रमोशन की गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके साथ साथ जो आपके बच्चे हैं, वो भी आपको किसी न किसी प्रकार से सुखद समाचार देने वाले हैं, यानी कि अगर वो परीक्षा वगैरह में भाग ले रहे हैं, तो वहाँ पर उनको सक्सेस मिल सकती है। अगर उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो उनका विवाह पक्का हो सकता है, या अगर अभी तक वो संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो वो सक्सेसफुल हो सकती है। यानी कि किन्हीं भी कारणों से आपको संतान पक्ष से मान के चलिए कि सुखद समाचार मिलेंगे। यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भी चौतरफा तरक्की लेकर आने वाला है, खुशियाँ लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, तो कन्या राशि के जातकों के लिए विशेषकर जो व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नंबर दो, अगर किसी प्रकार का आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो वहाँ पर आपकी जीत सुनिश्चित है इस सप्ताह। इसके साथ साथ जो जातक फ़ौरन से संबंधित कोई व्यापार करते हैं या फ़ौरन से उनको जाने की इच्छा है या जो वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, यानी कि किसी प्रकार से अगर आप फ़ौरन जाने के इच्छुक थे और अभी तक नहीं जा पा रहे थे, तो इस सप्ताह आपकी वो इच्छा पूर्ण हो सकती है, आपका वीज़ा लग सकता है और इस सप्ताह आप फ़ौरन ट्रैवलिंग कर पाएंगे। यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए आपके व्यापार के लिए, जो अगर नौकरी भी करते हैं उसके लिए, ट्रैवलिंग अगर आपको फ़ौरन से संबंधित करनी है उसके लिए, और जो आपका शत्रु पक्ष अभी तक आपके ऊपर हावी था, उनको हराने के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि इस सप्ताह बहुत ज़्यादा आप कॉम्पिटिटिव नज़र आएंगे, किसी से आप हार नहीं मानेंगे, सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे। तो ऐसे में इन जनरल क्या होता है कि कई बार आप एरोगेंट हो जाते हैं, दूसरे की बातों को आप नहीं समझना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं, तो पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस का आपको सामना करना पड़ सकता है।
तो अगर वहाँ पर आप संयम बना के रखें या दूसरे के दृष्टिकोण को भी अगर आप महत्व दें, उनकी बात भी, सामने वाले की बात को भी समझें, तो ये सप्ताह भी आपके लिए विशेष रूप से अच्छा होने वाला है। तो अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ों में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले कि किन चीज़ों को लेकर उनको थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। पहला, संतान पक्ष से संबंधित आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस सप्ताह जो आपकी संतान है वो आपके सामने आपको जवाब दे, यानी कि कुछ हद तक आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो एरोगेंट बिहेवियर उनके अंदर आ रहा है या थोड़ा गुस्सा वो अपना दिखा रहे हैं आपके सामने, तो वहाँ पर आपको थोड़ा संयम बना के रखने की आवश्यकता होगी। आगे चल के वो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो आपका वैवाहिक जीवन है वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी कि वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई कहासुनी चल रही थी तो वो इस सप्ताह दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है और वो विवाह योग्य हैं और अपने लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, तो उनको इस सप्ताह वो गुड न्यूज़ मिल सकती है, यानी कि उनका विवाह पक्का हो सकता है। या अगर आपकी लव लाइफ पहले से चल रही थी तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है कि उनके साथ आपका मनमुटाव हो जाए, और अगर आप उसको तूल देंगे या अगर आप उसको बैठ के धैर्यपूर्वक नहीं सुनेंगे या नहीं सॉर्ट आउट करेंगे उन चीज़ों को, तो वहाँ पर सेपरेशन की स्थिति भी आ सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुरुआत के 2 से 3 दिन यानी कि बुधवार तक आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो सकता है, मानसिक तनाव आपको फील हो सकता है, विशेषकर आपकी अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर। तो अपनी माता का स्वास्थ्य का आपको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनसे उनको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना करना पड़े, लेकिन सप्ताह के मिड तक आते आते उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है, यानी कि मानसिक तनाव आपका कम हो जाएगा। अगर आप कोई भूमि लेने का सोच रहे हैं तो इस सप्ताह डेफिनेटली आप वो भूमि ले पाएंगे, विशेषकर अगर वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई भूमि है, जहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, कृषि होती है, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है, तो उसको लेने के प्रबल योग बन रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है तो इस सप्ताह वो पूर्ण होती हुई प्रतीत होती है। इसके साथ साथ आपका जो संतान पक्ष है वहाँ से भी आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलने वाले हैं, उनके साथ भी आपका जो उनके साथ आपका एक अटैचमेंट है वो निखरेगा और वहाँ पर आप एक दूसरे के लिए पूरक सिद्ध होंगे, यानी कि वो आपकी बात मानेंगे, उनकी बात आप मानेंगे और एक अच्छा आपका माहौल बनने वाला है। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है सप्ताह के अंत तक आते आते यानी कि फ्राइडे या सैटरडे को आपको आपके पदोन्नति की गुड न्यूज़ मिल सकती है, यानी कि आपका तरक्की हो सकती है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, आपके संतान पक्ष से भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी माता के स्वास्थ्य का। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, सप्ताह की स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक होने वाली है। शुरुआत में आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के या प्रोफेशनल लाइफ में आपकी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, सबका सहयोग आपको मिल सकता है, लेकिन सप्ताह के मिड में आके किन्हीं कारणों से आपको तनाव का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते फिर आपका वो जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाएगा, यानी कि आपके लिए मिला जुला रिजल्ट है। किन चीज़ों में आपके लिए अच्छा रह सकता है, 2 चीज़ों में आपको विशेषकर ये सप्ताह लाभदायक हो सकता है। पहला कि अगर आप कोई वाहन लेने का सोच रहे थे या भूमि लेने का सोच रहे थे तो वो आपकी वहाँ पर मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई घर परिवर्तन भी करने का सोच रहे हैं या दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, जो लोग रेंट पर रहते हैं, तो वो भी उनके साथ हो सकता है, यानी कि आपको अपने हिसाब का एक दूसरा मकान मिल सकता है। इसके साथ साथ लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं, आपका शायद उतना फोकस नहीं रहेगा। मेन फोकस आपका अपनी घर की लाइफ पर रहने वाला है, यानी कि डोमेस्टिक लाइफ पर, वहाँ पे आप ज़्यादा वक्त देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आप रिश्तेदारों के साथ या मित्रगणों के साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। तो आपको करना ये है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रखना है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ऐसे डिटैचमेंट वाला फीलिंग नहीं रखना है। वहाँ पे अगर आप कर्मठ की तरह अगर करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए कुल मिला के ये सप्ताह मिला जुला ही रहने वाला है। सप्ताह के स्टार्टिंग में थोड़ा तनाव हो सकता है, सप्ताह के अंत तक आते आते भी थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, बीच में सप्ताह आपका ठीक ठाक निकलेगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। जो जातक किसी भी प्रकार के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मकर राशि वाले, उनके लिए सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। या अगर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो भी आपके लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप साधारण तौर पर एक आम एक जॉब करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है। आपको ऐसा फील आएगा कि आपके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपको ध्यान क्या रखना है कि अपनी वाणी पर विशेष रूप से आपको कंट्रोल रखना है। इसके साथ साथ जो आपका खान पान है वो इस सप्ताह बिगड़ सकता है,
इसके साथ साथ अपनी वाणी पर, इन दोनों पर आपको संयम बनाकर रखने की आवश्यकता है। जो भी आप बोलें सोच समझ के बोलें, अदरवाइज उसकी वजह से जो आपके संबंध हैं, विशेषकर जो आपकी पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कोई अपना व्यवसाय नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप तब्दीली उसमें चाह रहे हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज इस सप्ताह आप कर सकते हैं और ऐसी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जिनकी वजह से वो आप आगे चलकर उनको कर भी पाएंगे और वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। तो यानी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। सिर्फ जो एक नौकरी में बस वहाँ पर उनको ये फीलिंग आ सकती है कि उनके काम की सराहना नहीं की जा रही है, जिसके वो हकदार हैं वो उनको वैल्यू नहीं मिल पा रही है। अदरवाइज हर प्रकार से ये सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर प्रकार से सुखद रहने वाला है। सबसे पहले आपके मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जो पिछले कुछ समय से कोई छोटी मोटी अगर आपको बीमारी चल रही थी, उससे आप पूर्ण रूप से रिकवर कर पाएंगे और हर चीज़ को आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे और कर भी पाएंगे, यानी कि कर्मठ की तरह आप अपना हर प्रकार से कार्य करेंगे। आपकी संतान भी आपका सपोर्ट करने वाली है। अगर आपका कोई प्रेम संबंध था तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा था तो आप उसका भी मुकाबला कर पाएंगे और वहाँ पर भी आपको जीत हासिल होगी। इसके साथ साथ जो अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पर भी आपकी पत्नी आपको पूर्ण रूप से सहयोग देती हुई नजर आएंगी। यानी कि कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह हर प्रकार से सुखद रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। सबसे पहले अपनी हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर आपने नेग्लेक्ट किया तो आगे चलकर आपको क्रॉनिक डिजीज तक हो सकती है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपको कोई भी दवाई का सेवन करते हुए आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, यानी कि खुद के डॉक्टर ना बने, अपने आप से दवाइयाँ ना लें, बिना डॉक्टर की अनुमति के या उनसे बिना परामर्श के आप कोई भी दवाई ना लें। अदरवाइज उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि किसी न किसी प्रकार का आपके अंदर साइड इफ़ेक्ट होगा और उसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ सकता है, यानी कि जहरीली जहर की तरह वो दवाई काम कर सकती है आपके लिए। तो खुद से प्रिस्क्राइब दवाई आप ना, जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो ठीक ठाक रहने वाली है, यानी कि विशेष रूप से आपको हेल्थ पर ही इस सप्ताह फोकस करना है। अगर वहाँ पर आप फोकस करते हैं और खुद के डॉक्टर नहीं बनते हैं तो ये सप्ताह ठीक निकलेगा। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया, किसी भी चाहे आपका सर दर्द भी है तो बिना परामर्श के आप दवाइयाँ ना लें। अदरवाइज नेग्लिजेंस के कारण ऐसा हो सकता है आपने कोई एक्सपायर्ड दवाई ले ली आपने, जिसकी वजह से आपको आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़े। तो मीन राशि वालों के लिए परामर्श सिर्फ यही है कि आप दवाई का सेवन करते विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी आप अपना कार्य करते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य ना करें, अदरवाइज आपकी जो छवि है वो धूमिल हो सकती है, यानी कि आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो मीन राशि वाले अगर इन दो चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो ये सप्ताह अदरवाइज आपको हर प्रकार से ठीक ठाक निकलने वाला है।